हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अस्थमा को कैसे दूर करें, कैसे अपने अस्थमा छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही सरल है, छोटा सा ऐसा नुस्खा हम बता रहे हैं आपको, जिसे आजमा कर आप बहुत ही आसानी से अस्थमा को दूर भगा सकते हैं। यह उपाय आपने कैसे और किस प्रकार करना है, कैसे आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है, यह छोटी सी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब सरलता से समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार प्रयोग में लाना है। यह जानकारी आपको देने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आंवला। आंवला आप बाजार से ला के उसे अच्छे से धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद अब उसे आप बारीक इस तरह पाउडर के रूप में पीस लें। पीसने के लिए आप माम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं, मिक्सी का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप अच्छे से उसे बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह ऐसे पीस लें। अब इसका आपने प्रतिदिन एक चम्मच आंवला पाउडर लेना है और एक चम्मच आपने लेना है शहद। अब इसे आप अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसका आप सेवन करेंगे। यह आपने प्रतिदिन इसका दिन में दो बार सेवन करना है, सुबह के समय और रात्रि के समय। सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन करना है और रात्रि को सोने से एक घंटा पहले खाना खाने के बाद। इस प्रकार अब आप फिंगर पे लगाकर इस प्रकार धीरे धीरे इसको चाट लेंगे और इसका आपने सेवन करना है, एक चम्मच सुबह एक चम्मच रात्रि में। यह आपने एक महीना लगातार इसका आपने सेवन करना है। फर्क तो आपको 2 से 4 दिन के अंदर दिखने लग जाएगा, जो अच्छे से आपको बिल्कुल ठीक होने के लिए 1 महीने का समय लग जाएगा। उसके बाद भी आप इसका सेवन निरंतर करते रहें। जब आप 2 बार ले रहे थे, अब इसका आप 1 बार इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आप इसकी मात्रा घटाते जाएं। आपका अस्थमा बिल्कुल इस छोटे से उपाय के द्वारा ठीक हो जाएगा। आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे कि इस छोटे से नुस्खे के द्वारा अस्थमा जैसी भयंकर बीमारी भी आपकी दूर हो गई है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।